रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। नहीं याद है, क्यों नहीं फॉर्मूला याद करते हैं? अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए खुशी कुमारी आप बताइए तो, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। से नहीं पता। देखिए नहीं याद किए हैं, आप भी नहीं याद किए हैं। चलिए अब अगला बताएं कोई। चलिए माधुरी आप बताइए तो, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। μ2 - μ1 - μ1 r। हाँ सही है। चलिए और अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइएगा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। बोलिए जल्दी से। नहीं जानते हैं सर। नहीं याद किया। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका, अ ग्लास, लिखते चलिएगा क्वेश्चन, अ ग्लास स्फीयर, अ ग्लास स्फीयर जिसका म्यू जो है 3/2 दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल मार्क, हैज अ स्मॉल मार्क मार्क एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर where this mark appear if it view from the side nearest to the mark along the line joining the center and mark, along the line joining center and mark। जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट में बनाना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग क्या करते हैं पता नहीं है ना, लगता है कि हमको अब क्वेश्चन बताने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो दो चार पांच को प्रॉब्लम बनाते हैं ना 10-10 स्टूडेंट, उनको अलग से बता देंगे, अलग से मीटिंग करके। बाकी लोग को लग रहा है कि बहुत गड़बड़ चीज है। देखिए बिना प्रॉब्लम का फिजिक्स का काम नहीं होता है, बस इतनी समझ लीजिए। आप लोग ना तो थ्योरी बना के कॉपी आधा लोग भेजते हैं, ना कुछ, सोए रहते हैं सिर्फ, ना थ्योरी का ना प्रॉब्लम जो बताए उसका भी लोग सोल्यूशन करके नहीं भेजे हैं। मत हमको लगता है 10-12 लोग भेजे हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं पता नहीं।
माइक अपना आप लोग ऑफ कीजिए। अब इधर देखिए क्वेश्चन कहता है ग्लास स्फेयर है एक दिया हुआ है, तो ग्लास स्फेयर जब दिया हुआ है तो ये ग्लास स्फेयर एक बना लीजिए, हो गया ग्लास स्फेयर आपका। कहता है ग्लास स्फेयर में एक मार्क, अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक ग्लास स्फेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी इसका ग्लास स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका, यानी कि ग्लास स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू 3.3/2 दिया हुआ है ग्लास स्फेयर का। कहता है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हैज अ स्मॉल मार्क, मार्क मतलब होता है निशान चिन्ह, जो नहीं जानते लिख लीजिए चिन्ह, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, और कहता है सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कर रहा है वेयर दिस मार्क अपीयर्स, आपको कहां ये चिन्ह दिखाई देगा, इफ व्यू फ्रॉम द साइड नियरेस्ट टू द मार्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मार्क, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मार्क, मतलब कि सेंटर से लाइन पार करेगा तभी कोई काम बनेगा, मान ली कि यहां से पार किया। अब मार्क जो है ये सेंट, अगर रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है तो कहता है सेंटर से 3 सेंटी दूरी पर ये मार्क है, एक धब्बा जो है ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से, ऐसा क्वेश्चन में करा है, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कहता है व्यू फ्रॉम नियरेस्ट टू द मार्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, व्यू फ्रॉम नियरेस्ट, तो इसको नियरेस्ट स्फीयर, अब स्फीयर के अंदर तो घुस के देखेंगे नहीं, तो नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ आप समझे, नियरेस्ट का मतलब हुआ कि आप यहां से देख रहे होंगे एकदम नियरेस्ट से जाकर के, यहां से देख लीजिए ध्यान से, तो नियरेस्ट मतलब यहां से आप देख रहे हैं, देख लीजिए बात ध्यान से, यहां से नियरेस्ट का मतलब ये हुआ, देखिए जरा गौर से, तो नियरेस्ट का मतलब जब यहां से हुआ तो बात समझने की कोशिश कीजिए यहां पर आखिर क्या होगा, जो तो बात समझने की कोशिश कीजिए नियरेस्ट, तो बात समझ लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से, नियरेस्ट मतलब यहां से देखेंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर एक लाइन खींचिए, आप बताइए ये इंस्ट्रूमेंट हो गया स्फीयर को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मानिए, और जहां से लाइन खींचे हैं वहां पर एक आप क्या कीजिए हाथ खड़ा कर दिए, और जिधर ऑब्जेक्ट दिखे उधर सब निगेटिव, जिधर ऑब्जेक्ट दिखे उधर सब निगेटिव, और तब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होगा आपका कितना होगा माइनस में होगा, लेकिन यहाँ से सेंटर की दूरी 12 सेंटीमीटर है और यहाँ सेंटर से ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी माइनस 9 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, कहाँ से सरफेस ऑफ स्फीयर से। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 12 सेंटीमीटर होगा लेना है क्वेश्चन बनाते समय, अब बात समझ लीजिए क्यों 12 लेना है माइनस 12, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही सेंटर ऑफ स्फीयर है, और हम बार बार बोले हैं जहां ऑब्जेक्ट रहता है ना वो क्या होता है, जहां ऑब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट मीडियम होता है, क्या होता है पहला मीडियम होता है, तो ये जो जहां ऑब्जेक्ट है तो स्फीयर के अंदर ऑब्जेक्ट है यानी ये फर्स्ट मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम ये ग्लास हो गया आपकी बात, और सेकेंड मीडियम इधर हवा हो गया जिसका रिफ्रैक्टिवनेस 1 है, और फार्मूला अभी अभी पूछे थे, पहले यही फार्मूला ही पूछे थे, फार्मूला तक नहीं याद है लोगों को, हमको तो ये नहीं पता चलता है क्या करते हैं आप लोग, लॉकडाउन में घर में बैठ के खाली गेम खेलते हैं मोबाइल में, μ2/v − μ1/u और μ2 − μ1/r, देख लीजिए ध्यान से यही फार्मूला है, ये फार्मूला एक सीधा सा नहीं याद होता है, इसी फार्मूला पर पिछले क्लास में 3 वो क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन करवाते नहीं करवाते तो आप लोग करते, देखिए ध्यान से, आप μ2 क्या हो गया 1 हो गया, आपको भी निकालना है, माइनस μ1 क्या हो गया 1.5 या 3/2 1.5 लिख लीजिए, और u कितना है -12 है, देख लीजिए -12 है ये -9 है, u कितना है आपका -9 है, यहाँ लिखा हुआ है -9 सेंटीमीटर, μ2 कितना है 1.1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है -12 सेंटीमीटर, देख लिए ध्यान से। अब 1/v जब निकालना हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन उस तरफ ले जाएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, आ ये माइनस होगा 1 में से इतना घटा है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी 0.5/12 आ रहा है ये, और ये हो गया प्लस माइनस इधर जाके कितना, तो यहाँ 1.5/9 हो गया। एलसीएम वगैरह आपको निकालने आता होगा ये बात आपको पता है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 9 का 36, तो 36 हो गया था 3 बार में 1.5, और फिर यहाँ से 4 बार में
तो चार बार में तो 15 चौका 60 यानी कि 6, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो देखिए अब क्या रहा है, 1/v = आ रहा है आंसर माइनस में 4.5/ कितना 36। अब तो v बराबर -36/4.5। अब देख लीजिए कैसे कटेगा आपका, यहां से काटिएगा तो एक तो 10 ऊपर चल जाएगा और 9 से 5 बार का और 9 से 4 बार का 10 ऊपर, यानी कि भी बराबर आ गया -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर भी आने का मतलब क्या हुआ कि इसी पॉइंट से सरफेस से 8 सेंटीमीटर अंदर की ओर दिखाई देगा आपको, यानी कि आप देख लीजिए फिर से वही कंसेप्ट, जब रेडर मीडियम से डेंसर की तरफ देख रहे हैं तो इमेज ऊपर दिखता है, याद कर लीजिए। देखिए यहां से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है रियल में, लेकिन आपको दिख रहा है 8 पर, यानी आप हवा से देख रहे हैं डेंसर मीडियम में यानी ग्लास के अंदर, तो क्या होता है ऊपर उठ करके दिखता है, वो प्लेन सरफेस से चलता रहा है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो बना के भेजे थे उनका बिल्कुल सही था -8 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहाँ से है, फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर से है, यानी स्फीयर के सरफेस से है, और सेंटर ऑफ स्फीयर से निकालना रहता तब क्या होता है, तो आपको 12 सेंटीमीटर में से 8 घटाना पड़ता यानी 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको मार्क जो दिखाई देगा कहाँ से, देखिए फिर से बोले अब आंसर पूरा नहीं लिख रहे हैं, फिर से बाद में पूरा आंसर लिखना हो तो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, यहां से देख लीजिए कि आंसर 8 सेंटीमीटर आया है, जो कहां से है 8 सेंटीमीटर सेंटर की तरफ, 8 सेंटीमीटर किधर सेंटर की तरफ, और उसके बाद फिर क्या है आपका इधर देख लीजिए ध्यान से, तो और 4 सेंटीमीटर से आपका क्या होगा सेंटर से होगा। अब बताइए किनको इसमें प्रॉब्लम है ये बताइए, जो नहीं बनता आपसे क्वेश्चन क्या इसमें कष्ट है आप लोग को, हमको ये नहीं समझ में आया है, हमको तो लगता है कि डेरिवेशन भी आप लोग नहीं याद करते होंगे, सोचे होंगे कि चलिए इस बार भी एग्जाम नहीं हुआ, 12th का अगला बार भी नहीं होगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए किन्हीं को अगर कोई कष्ट हो कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो हमको बतलाइए, हम आपको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, बस इतने ही याद रखिए। ठीक है सर। क्या ठीक है, नहीं साथ छोड़ेंगे इसलिए, थैंक यू। चलिए तो मिटा दें इसको, अब आगे हम पढ़ाएंगे, अब हम टेंशन नहीं लेंगे आपका कि आप क्या कर रहे हैं, जो है ना इसमें अगर प्रांगत हासिल करना हो तो 4 प्रॉब्लम हम जो बताए हैं ना उस प्रॉब्लम को बनाइए, और तब जाके मैं 4 ही बताएं, फिर आपका जो एडवांस वाला भी बता दिए हैं जो असाइनमेंट में था वो सब भी प्रॉब्लम लगता है बता दिए हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आपका हो गया है इस पर, लेंस का भी प्रॉब्लम पिछले क्लास में बता दिए थे, जो होशियार होंगे जरूर 10th क्लास का बुक निकाल कर सारा लेंस वाला प्रॉब्लम बना लिए होंगे फिर से एक बार, हाँ जिनको कुछ नहीं करना हो तो क्या करेंगे पता नहीं। देखिए आज जो पढ़ेंगे ना अब 12th वाला पार्ट, पिछले क्लास में हम 10th वाला पार्ट पढ़े थे, यानी कि लाइट में 10th का पार्ट पढ़े थे, इस बार हम लोग पढ़ेंगे 12th वाला पार्ट, अब 10th वाला कहानी खत्म। अब तो 12th में एक सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज बताएंगे, जिस डेरिवेशन का डंका है जो हर एक साल हर एक एग्जाम में एक बार बजता है, बस समझ लीजिए, जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो फार्मूला पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल, तीनों में से एक तो कोई नहीं आएगा इससे, बस इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है यानी लेंस बनाते कैसे हैं, आप ये सोचिए कभी डॉक्टर के पास गए हैं आपको देख के बता देता है कि इतना पावर का लेंस आपको जरूरत है, और दुकानदार जो है तुरंत लेंस बना के भी दे देता है, तो लेंस जो बना के देता है सोचिए वो कितना जल्दी बनाता होगा और कैसे बनाता होगा, किस क्या प्रोसेस होगा, और हम जो लेंस पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है ना वो थिन लेंस के लिए, थिन लेंस मतलब बहुत पतला, बहुत पतला मतलब कितना मिलीमीटर के ऑर्डर में, आप चश्मा देखे ना, चश्मा लगाते हैं बहुत लोग चश्मा लगाते होंगे है ना, जो चश्मा लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा उसमें जो है लेंस पूरे चश्मा में नहीं रहता है, थोड़ा सा पार्ट में रहता है लेंस, आपको अजीब लगता है, और जिनका पावर थोड़ा ज्यादा भाग गया है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरे आपका चश्मा में लेंस नहीं रहता है, थोड़ा दूर रहता है लेंस, क्या लेंस उस चश्मा का जितना मोटा ग्लास है उतना रहता है, जो चश्मा लगाते हैं होंगे वो ध्यान से देखिएगा,
कभी अगर वो चश्मा का ग्लास बाहर निकल जाए फ्रेम से, तो देखिएगा कि उसके ऊपर एक पेस्ट लगाया हुआ है चारों तरफ से चिकना करने के लिए, जबकि लेंस बहुत पतला है, थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब मिलीमीटर में, जबकि उसका मोटाई तो चश्मा का ज्यादा रहता है ग्लास का। तो ध्यान से देखिएगा तो क्या पाइएगा कि दो लेयर ऑफ फाइबर है, लेंस बहुत पतला है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल या तो ग्लास का ले लीजिए या तो फाइबर का ले लीजिए, उस पर वो लेंस को रख करके फिर ऊपर से उसको दूसरा फाइबर को रख करके या ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख को चिपका देता है, चारों तरफ से एक केमिकल लगा देता है, आपको एक दिखता है। कभी टूटेगा तो ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब बात को समझते हैं आगे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला अरे लेंस कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं, याद कीजिए लेंस फॉर्मूला अलग है और लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है। लेंस फॉर्मूला 1/V = 1/E = 1/F है, जबकि लेंस मेकर फॉर्मूला वो नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/F = μglass/μmedium - 1 और 1/R1 - 1/R2। मतलब इस फॉर्मूला का भी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला, सबसे पहले हम लेंस ही बनाएंगे। देखिए लेंस जो हम बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा, लेंस बनाए जानबूझ के मोटा लेंस बनाए हैं, सॉरी आप लोग के लिए और थोड़ा बड़ा लेंस बना के आ, नहीं इतना में काम निकाल देंगे। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे है ये लेंस जो है ना बहुत पतला है। अब बहुत पतला मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जानते हैं, बीच में लेते थे आप लोग, याद कीजिए 10th क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे डॉटेड लाइन बना करके ऐसे बीच से तब लेते थे। लेकिन अब हम इधर भी लेंगे एक पॉइंट O1, इधर भी पॉइंट लेंगे एक O2। आ सबसे पहला बात यही लिखेंगे फॉर थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस पॉइंट O1 एंड O2 कॉन्साइड विथ पॉइंट O। मतलब समझ लीजिए क्या हुआ कि आपका जो है थिन लेंस के लिए यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या है। फॉर दिस लेंस मतलब कि अब हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम P है आपका, यहां से एक लाइट निकलेगा जो कि आपको इधर जाने के रेड कलर से दिखाएंगे उसको, देख लीजिएगा ध्यान से, क्या जिसे दिखाएंगे रेड कलर से। तो यहां से ऐसे ये पार करने लगा, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट अब इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो रीजन आपको पता है और हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट जब इधर से जाएगा ऐसे, देख लीजिए ध्यान से, यहां से जब इस तरह से जाएगा लाइट ऐसे इस तरह से है ना, तब क्या होगा, यहाँ पहले फर्स्ट सरफेस पर टकराएगा और टकराने के बाद क्या है, हवा से ग्लास में लाइट इंटर मारेगा। जब इंटर मारेगा तो यानी रेरर से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बात पहले समझ लीजिए। तो अब देखिए ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो जिधर से लाइट जाके पहले टकराए उसको फर्स्ट सरफेस कहते हैं, याद कीजिए पिछले क्लास में समझाए थे, इसको पहला सरफेस कहते हैं। तो पहला सरफेस का रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा आपका कुछ इधर होगा, इस बात को समझ लीजिए, ये होगा आपका C1, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 लिख रहे हैं। और इधर नॉर्मल दिखा देते हैं कि ये आपका नॉर्मल N1 है। अब बताइए यहां पर जरा ध्यान से देखिए, लाइट जाना चाहिए था इधर, लेकिन आप लोग बताइए कि रेरर से डेंसर में जा रहा है लाइट, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल इधर जा रहा है तो नॉर्मल मतलब इधर झुकेगा,
लाइट जो है आपका इस पाथ से बेंड होकर के इधर आएगा, लेकिन आपको फिगर बनाने के लिए एक टेक्निक बता रहे हैं आप लोग। ये टेक्निक नहीं याद रहेगा तो आपसे डायग्राम भी नहीं बनेगा। टेक्निक ये है कि पहले अपने से लाइट मत बेंड करवा दीजिएगा, पहले एक स्केल लीजिएगा, स्केल को क्या कीजिएगा यहाँ पर लगाइएगा, और जहां पर इधर इमेज एक बनाना होना वहां पर स्केल लगाइए। देखिए ध्यान से, इधर एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, और यहां से ऐसे खींचेगा स्केल रख करके सीधा लाइन, यहां से ऐसे खींचेगा स्केल रख करके सीधा लाइन एकदम इस तरह से, और ऐसे मतलब समझ लीजिए कि यहां से लाइन पहले खींचने के पहले आपको स्केल रख के इधर का लाइन खींचना पड़ेगा। क्यों? वो रीजन हम बता रहे हैं क्या क्यों खींचना पड़ेगा, जो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपको खींचना पड़ेगा इधर से। मतलब क्यों खींचना पड़ेगा, तो उसका रीजन ये है कि इधर डॉटेड लाइन से जा करके इमेज बनेगा पहली बार, क्योंकि रे देखिए एक लाइट रे इधर से इधर जा रहा है सीधा, और ये बेंड इतना ही बेंड किया कि ये बेंडिंग के बाद इस पर नहीं मैच कर रहा है, तो इमेज तो इधर बनेगा नहीं। तो इमेज हम लोग पीछे में वर्चुअल इमेज बनाएंगे, यानी पहला बार जो इमेज है देखिए कहाँ पर बनेगा, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहला बार जो है इमेज आपका यहाँ बनेगा, I1 लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर इमेज बनेगा, और ये डॉटेड लाइन से दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि इमेज इधर बन रहा है। तो देख लिए ध्यान से, ये जो है इधर से ऐसे बेंड कर गया है, ठीक है। अब देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अब ये यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हो गया हवा से लेंस में, अब यहाँ पर होगा लेंस से हवा में, फिर लेंस से हवा में होगा, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार हवा से लेंस में और फिर लेंस से हवा में। मतलब सोच लीजिए कि अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन है तो इसका कर्वेचर इधर है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, देख लीजिए कहीं, तो पहले इधर से भी एक आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले खींचना पड़ेगा, इस बात को पहले समझिए। तो हम यहां से खींच रहे हैं, स्केल रख के सब खींचिएगा, नहीं तो आपसे खिंचाएगा भी नहीं। ये C2 हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखने में टेंशन नहीं हो, ये C2 है ना। अब जरा गौर से देख लीजिए, इसको O1 को लिख देते हैं कि ये पॉइंट O1 यहाँ है, और P को थोड़ा और दूर लिख देते हैं, यानी P ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर ये बताइए रे ऑफ लाइट जो है शुरुआत में आपका इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन आप ही बताइए जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो रे जाना चाहिए था उधर, लेकिन डेंसर से रे डर गया, डेंसर से रे डर गया, आने की लेंस से हवा में गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवार्ड्स नॉर्मल, आप लोग बोलो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो नॉर्मल से दूर मतलब इधर। अब इसका इमेज इधर बना दीजिए ऐसे कहीं। देखिए ये डायग्राम आपको बनाने के लिए जब तक ये 2-3-4-5 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो एग्जाम के अंदर अगर कॉपी छापने के लिए भी दे दिया जाए तो ये डायग्राम आपसे नहीं बनेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ, बस समझ लीजिए। जब तक मेरे प्रोसेस के अनुसार नहीं बनाइएगा तब तक आपसे डायग्राम वहां छपाएगा भी नहीं अच्छे से, और तब ये फाइनल इमेज जो है आई बन गया। देख लीजिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए दो दो बार रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ पर बनाने के लिए पहले बोले थे रे बेंड करवाने के पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर स्केल रख करके और यहाँ स्केल करके इधर डॉटेड लाइन और तब सीधा खींचेगा। देखिए हमको हजारों बार का प्रैक्टिस है इसलिए विदाउट स्केल आपसे ज्यादा अच्छा फिगर बना देते हैं, लेकिन आप जो है ना स्केल उठा करके पेंसिल उठा के भी गलत फिगर बनाते हैं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से तब फिगर बनेगा। और यानी कि यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार हवा से ग्लास में और एक बार ग्लास। चलिए यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है, फिगर समझने में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि फिर आगे तो अब लिखने वाला काम है, फिगर समझ में आ गया है तो जो भी कष्ट हो डायरेक्ट बतलाइए, हम आपको पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस इतने ही सोच लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, तब बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, कहाँ करते हैं बात, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस है ना, या फिर पहले पॉइंट लिख दीजिए सारा, जब सारा पॉइंट कॉन्साइड ही कर गया तो देखिए
पी ओ पी जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ओ पी जो है ओ से पी की दूरी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, जिसको यू से डिनोट करेंगे। और फिर जो है आपका ओ से जो सी वन है या फिर ओ से जो आपका आई वन है, वो आई वन जो है इमेज डिस्टेंस है ना, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, कहां फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके द्वारा इमेज है ये, और जिसको भी वन मान लीजिए आप है ना, और ओ आई जो है इमेज, इमेज डिस्टेंस है, देख लीजिए इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, इमेज डिस्टेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट, ड्यू टू क्या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के कारण है, ये बात समझ लीजिए, यानी कि क्या हो गया इसको भी मान लीजिए। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, ओ से जो सी वन की दूरी है, ओ से सी वन, ओ सी वन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस है, देख लीजिए इतना बात लिखना पड़ेगा आपको, और जिसको आप R1 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा R1, देख लीजिए ध्यान से, और OC2 जो होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस, देख लीजिए ध्यान से, और उसको आप R2 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा R2 मान लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, म्यू वन जो है वो क्या मान रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या म्यू मीडियम कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और म्यू ग्लास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस है, ग्लास लेंस है, देखिए ध्यान से, इन सभी इंफॉर्मेशन में अगर कोई परेशानी हो समझने में तो हमको बताइए, क्योंकि ये सभी इंफॉर्मेशन अब मिटा देंगे सीधा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन हमको याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, कैसे लिखना है, ये ट्वेल्थ के लिए है, ऐसा इस तरह से लिखेंगे है ना, तो इस इंफॉर्मेशन का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन तो दिमाग में ही रहना चाहिए, अब इसको मिटा करके डेरिवेशन कैसे होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। दिमाग में आ गया है कौन से टर्म को क्या चीज से यूज किए हैं, जो ऐसे लिखा हुआ भी रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बस इतना ही याद रखिए, फिगर पर सब दिया हुआ है, फिगर से मेनली काम होता है वो, मतलब इतना जो लिखे ना वो बात बनाने वाला काम था, वो बात बनाना आप अपनी तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। देखिए पहला सरफेस जब रिफ्रैक्शन जाएंगे तो यहां पर हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ था, तो देखिए इस रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो याद कर लीजिए कि आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपका ओपी होगा, और ओपी को यू माने हैं, देख लीजिए ध्यान से, ओ से पी को इसके पहले यू माने थे, इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस जो इसके लिए क्या अनुसार होगा, यानी पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कौन बना था, आप लोग में से कोई बोलिए, आप लोग सब सोए हुए हैं, पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कौन बना है, बोलिए जल्दी से नाम बोलिए,
आई डैश मतलब ये बना था, यानी कि ओ आई डैश, ओ आई डैश, आई इसको माने थे भी डैश, याद कीजिए इसको माने थे भी वन या भी डैश जो भी बोलिए। अब आप लोग में से कोई बोलिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट कौन होगा, बोलिए जल्दी से। म्यू वन, म्यू मीडियम, म्यू मीडियम, म्यूयम, क्योंकि मीडियम से यानी मीडियम से जा रहा है लेंस में, तो फर्स्ट मीडियम तो अच्छी मतलब म्यू वन तो हो गया ये, और म्यू टू हो गया आपका लेंस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड जो होगा वो होगा म्यू ग्लास। क्या मेरे कंसेप्ट से किन्हीं को कुछ परेशानी है तो बोलिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेंगे बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्या लें बोलिए जल्दी से आप लोग, आर वन। आए बात समझ में यहां तक? देखिए जो जो बात लिखे हैं किन्हीं को अगर कंफ्यूजन है कि फर्स्ट मीडियम में म्यू मीडियम क्यों ले लिए, सेकेंड मीडियम में म्यू ग्लास क्यों लिए, क्योंकि हवा से चल करके ग्लास के अंदर जा रहा था लाइट, तो जहां से जाए वो पहला और जहां घुस जाए वो दूसरा। और फार्मूला तो अभी अभी आप याद किए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, क्या म्यू टू बाई भी, तो क्या लिखे, रुकिए हम आप लोग से पूछते हैं। चलिए आस्था कुमारी आप बताइएगा कि मैं फार्मूला क्या लिखूं, बोलिए हम क्या लिखें आप फार्मूला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, म्यू टू रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल ये म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू। रुकिए रुकिए रुकिए, म्यू टू नहीं लिखना है यहाँ, म्यू टू के बदले यहाँ नाम बदल गया है, नाम देख हाँ, के तो बोर्ड पर म्यूजी, हाँ बोलिए बोलिए सर, म्यूजी म्यूजी अपॉन बी माइनस म्यू एम अपॉन यू इक्वल टू म्यू ये म्यूजी माइनस म्यू एम अपॉन आर। वेरी गुड, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए सब पहले लिख दिए थे, अब आप ही लोग से पूछेंगे, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, समझ गए ना, आप लोग तैयार रहिएगा, आप ही लोग से पूछेगा फिर से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस सर सेकेंड सरफेस और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा कोई बतला सकते हैं तो हमको बतला दीजिए, क्योंकि मैं लिखने के लिए तैयार हूं। इमेज डिस्टेंस क्या होगा कोई बतला सकते हैं तो बतला दीजिए, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट क्या होगा, मीडियम मीडियम फर्स्ट क्या होगा वो आप लोग बतला सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड क्या होगा वो आप लोग बतला सकते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्या होगा वो आप लोग बता सकते हैं। नहीं बताइए तो हम नाम लेके पुकारेंगे फिर, टेंशन मत लीजिए, चलिए हो जाएगा एक डिस्टेंस सर। अब हम पूछते हैं, पहले पूछने दीजिए हमको, आयुष रंजन। Yes, sir. चलिए आप बताइएगा जो हम बात पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या लिखें, बोलिए जल्दी से, अने तो मोबाइल में घुस करके मारेंगे आपको, समझ लीजिए आप, जल्दी बोलिए क्या लिखेंगे सर। ओपी, ओपी कहाँ सोए हुए हैं, चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए, ध्यान से सुनते रहिएगा। हैप्पी राज आप बोलिए। ओ आई वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, याद कीजिए। देखिए एक बात और फिर से आप लोग को बोल देते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन में, मल्टीपल रिफ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं, एक से ज्यादा बार लाइट रिफ्रैक्ट करे, एक ही लाइट एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्ट करे तो क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन के द्वारा जो इमेज बन जाता है वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो इमेज बन जाएगा वो थर्ड के लिए रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे आप लोग, ये पहले बोलिए, याद रहेगा, एकदम याद रहना चाहिए, हर हाल में याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो कंफ्यूजन है ना। तो याद कीजिए
अब सेकेंड रिफ्रैक्शन पर जब है तो पहला रिफ्रैक्शन के द्वारा इमेज जो बना था वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद ये पता चल, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है, अच्छा हम लोग क्या समझते हैं लाइट सीधा चलता है, तो लाइट जब सीधा चलता है तो आप ये लाइट ऐसे घूम के आ रहा है थोड़ी पता चलेगा हमको, तो यहाँ से पता चलेगा कि अरे लाइट यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है लाइट सीधा सीधा एकदम। इसीलिए आप समझ लीजिए कि OI1 यानी कि V1 होगा यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये होगा यानी OI को भी मानते हैं, याद कर लीजिए। अब फिर से पूछते हैं बहुत लोगों से, मधुप्रिया माइक ऑन कीजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम रिएक्शन होना चाहिए। आप बताइए RI ऑफ मीडियम फर्स्ट हम क्या लिखें, आपको बताना है जल्दी से। इतना देर सोच रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं, केवल बहाना बनाते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। सर हम बताएं। हाँ बोलिए जल्दी से। म्यू जी वेरी गुड, सही है। चलिए माइक ऑफ कीजिए। देखिए हम पहले बोले हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम फर्स्ट क्या होता है, जहां से लाइट जा रहा है वो फर्स्ट, जहां को जा रहा है वो सेकेंड। तो आया कहां से, ग्लास से, मतलब देखिए रिफ्रैक्शन सेकेंड जब रहा है तो लाइट ग्लास से निकल करके हवा में गया है, ग्लास से निकल के हवा में गया है सेकेंड रिफ्रैक्शन में। फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धीरे से बोलते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन के केस में लाइट जो है ग्लास से निकल करके हवा में गया है, इसलिए ग्लास वाला जो हो गया वो पहला मीडियम हो गया, और जहां हवा हो गया वो दूसरा मीडियम हो गया। तो इसलिए यहाँ म्यू ग्लास पहले लिखाएगा और म्यू मीडियम बाद में लिखाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस जो है आपका OC2 है, यानी कि R2 होगा। देख लीजिए ध्यान से, अब यहाँ पर इक्वेशन फिर से लिखिए। देखिए इक्वेशन अब हम ही लिख देते हैं, सब तो वहां लिखे दें म्यू टू, तब म्यू टू के बदले होता है सेकेंड मीडियम, म्यू टू सेकेंड मीडियम का आने म्यू मीडियम लिखा है, म्यू टू बाय भी, तब भी तो हो गया यहाँ। अब माइनस म्यू वन, तब म्यू वन तो है म्यू जी बाई यू, तो यू तो है आपका भी वन, और फिर क्या लिखेगा म्यू टू माइनस वी वन, तब म्यू टू तो है म्यू मीडियम, म्यू मीडियम अब माइनस म्यू ग्लास अब बाई आर टू। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बताइए पहला से दूसरा इक्वेशन तक में किन्हीं को भी अगर कोई कष्ट हो, थोड़ा भी कष्ट है तो हमको बतला दीजिए, या कोई डाउट हो या कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो तो हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। आदित्य माइक अपना ऑफ कीजिए आप। चलिए कोई नहीं पूछेंगे, सब लोग को समझ में आ गया है, हमें बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो एक जगह लिख के ऐड करेंगे कि डायरेक्ट हम ऐड कर दें, डायरेक्ट ऐड कीजिएगा तो देखिए म्यू मीडियम बाई यू यहां पर है, और देखिए म्यू ग्लास बाई भी वन, और म्यू ग्लास बाई भी वन इधर प्लस में है उधर माइनस में है, तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आप ही बताइए, गायब हो जाएगा, और बचेगा म्यू मीडियम बाई भी बचेगा इधर से प्लस में, इधर से बचेगा म्यू मीडियम बाई यू बचेगा। देख लिए ध्यान से, आप लोग देखते चलिए समझते चलिए, फिर ये नहीं बोलिए सर कहां से आ गया है, देख लिए ध्यान से, इतना ही बचा है हमको, इधर इधर वाले इक्वल के इस तरफ वाले इक्वल के इस तरफ वाले दोनों को जोड़ेंगे तो म्यू जी बाई भी वन, म्यू जी बाई भी वन प्लस माइनस के चलते गायब हो गया, तो म्यू मीडियम बाई भी और माइनस म्यू मीडियम बाई यू बच गया, लेकिन इधर तो कोई गायब नहीं हो रहा है, यहां बच गया आपका म्यू ग्लास माइनस म्यू मीडियम बाई, सॉरी यहाँ आर वन था आपका है ना, आर वन आर प्लस, प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन दीजिएगा, यहां हो गया म्यू मीडियम माइनस म्यू ग्लास बाई आर टू। यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, और नहीं कष्ट है तो हम यहाँ म्यू मीडियम कॉमन लेने वाले हैं, देख लिए ध्यान से, और बच गया वन बाई भी
माइनस वन बाई यू इक्वल टू, देखिए यहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए, इससे अगर इससे माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो म्यू ग्लास माइनस म्यू मीडियम होगा, इस तरह का मैथ पढ़े होंगे। मतलब इसको इधर लिख दीजिएगा, उसको उधर कीजिएगा, तब माइनस साइन यहाँ बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वो निकलेगा तब म्यू ग्लास और म्यू मीडियम जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा बाहर, यानी म्यू ग्लास माइनस म्यू मीडियम आ जाएगा बाहर, और अंदर में बच जाएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब आपको पता है लेंस फार्मूला होता है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू लेंस फार्मूला में क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ याद कर लीजिएगा। तो वन बाई फोकल लेंथ लिखेंगे इक्वल टू, और ये म्यू मीडियम को नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे इधर, तो इधर तो इनटू में, तो इसमें से डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम माइनस वन, और वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये हो गया आपका फॉर्मूला, देख लिए ध्यान से, और यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, यही है क्या आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो जल्दी से बोलिए, क्योंकि फिर ये मिटने वाला है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो जल्दी से बोलिए, जितना फास्ट बोलेंगे उतना फायदा आपको होगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। चलिए, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो थोड़ा सा अब हमको समझाने का भी मौका मिल जाएगा, और भी बात ज्यादा चीज। तो यहां तक जब लिख ही लिए हैं आप लोग और बात समझ ही लिए हैं, तो आगे देखिए, देखिए जब तक बात को समझेंगे नहीं तब तक फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, है ना। और डॉक्टर बनिएगा तो पेशेंट को चश्मा कैसे दिलाइएगा, यही फार्मूला से हेल्थ से आपसे चश्मा मिलेगा आपको, और आपको मेडिकल कॉलेज में भी ये चश्मा पढ़ना है, ये लेंस मेकर फार्मूला याद कीजिए, सेकेंड ईयर में पढ़ना रहेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एक बात याद दिलाते हैं, क्या लेंस मेकर फार्मूला क्या हुआ, फाइनली फार्मूला याद करना है तो क्या हुआ, इसको भी मिटा देते हैं, डेरिवेशन तो ही गया था, मतलब समझने का टेंडेंसी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। अब आपको इसमें आपको क्वेश्चन पकड़ने का टेक्निक क्या होगा, उस टेक्निक को समझते रहना है ना सर। तो लेंस, हाँ बोलिए सर। तो डॉक्टर जाते हैं चश्मा बनवाने तो तुरंत कैसे बना के दे देता है, ऐसे कैलकुलेट करता है। हाँ तो कैलकुलेट नहीं करेगा, तुरंत देता है आपको, 6 घंटा का टाइम लेता है, तुरंत कैसे दे देता है। हो सकता है बाई चांस आपका मान ले कि माइनस टू डायोप्टर आपका होगा या प्लस टू होगा डायोप्टर, वो पहले से बना के भी रखता है बहुत कुछ, क्योंकि पता है जनरली जो पेशेंट आता है उसका पावर 2 से भागता है, प्लस से माइनस से, तो कुछ चश्मा वो सैंपल में पहले से बना के रखता है। तो आपका संयोग से आ गया 2 तो तुरंत दे देगा निकाल के चश्मा, और नहीं मिला तो फिर बना के देगा आपको, है ना। वो तो टेक्निक है वहां पर, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए ये लेंस बहुत मोटा दिखा रहे हैं, लेकिन ये लेंस बहुत पतला होता है, थिन, दोनों पॉइंट सटा हुआ रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, प्लास्टिक के जैसा पतला होता है। देखिए ये है म्यू ग्लास, ये बाहर है म्यू मीडियम। इस फॉर्मूला में हमेशा यही फॉर्मूला हो गया, वन बाई फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला भी डेराइव हुआ था, म्यू ग्लास बटा म्यू मीडियम एकदम 100% फिक्स है, माइनस वन, अब वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, यही फॉर्मूला है। इसको वन बाई फोकल लेंथ को पावर भी कहते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस पी बराबर होता है वन बाई फोकल लेंथ, याद कर लीजिए। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसा लिख सकते हैं कि पावर बराबर ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, यही पावर आपका निकाल के देगा कौन, डॉक्टर लोग, म्यू ग्लास म्यू मीडियम माइनस वन और वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और यहीं से डिटरमाइन करेगा आपका पावर। आज जानते हैं बड़ा ही अजीब अजीब घटना आपको बताएंगे, और आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे कि हमारा फिजिक्स जो है डेली लाइफ से कितना कोरिलेटेड है। आप ये दोनों फार्मूला को अभी का अभी मन में
मंत्र जाप कर लीजिए 10-20-50 बार और तुरंत लर्न करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर अब तुरंत क्वेश्चन चलने वाला है, है ना। दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए आप लोग मन में सोच लीजिए एक दो बार, अब हमको बोलने दीजिए। देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर क्या होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, यदि आप ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है कि लाइट इधर से जाएगा और टकराएगा। तो लाइट ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, लाइट पहले यहां जाके टकराएगा, तो ये होगा फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, और ये हो जाएगा सेकेंड सरफेस। अगर ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा आर वन, अगर ये सेकेंड सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू इधर होगा। अब साइन कन्वेंशन अगर कीजिएगा, साइन कन्वेंशन अब सिखा रहे हैं, साइन कन्वेंशन अगर कीजिएगा तो यहां पर हाथ रखिए, जिधर ऑब्जेक्ट उधर सब निगेटिव, उल्टा में सब पॉजिटिव, इसका मतलब इसका साइन कन्वेंशन प्लस होगा आर का, और इस आर का साइन कन्वेंशन माइनस होगा। इस बात को समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बोलिए, क्योंकि अब पूछेंगे इसके बाद फिर आप लोग से हम आर वन आर टू प्लस माइनस कैसे लेना है, ये नहीं समझे। देखिए लाइट में फार्मूला बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई चैप्टर का एंट्री नहीं है, सिर्फ लाइट है तो लाइट है, यही वो चैप्टर इसमें खासियत है कि लाइट में यहाँ पर मैकेनिक्स एंट्री नहीं मारता है, लेकिन एडवांस उठासल आप देख रहे हैं कभी मार बात ही देता है, लेकिन यहाँ पर जनरली दूसरा चैप्टर एंट्री नहीं मारता है। तो आप ये बात समझने की कोशिश कर लीजिए कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन, लाइट में एक ही वो मंत्र है साइन कन्वेंशन, अगर आपको याद हो गया और समझ में आ गया साइन कन्वेंशन, तो फार्मूला तो अभी तक का वो प्रूफ हुआ। आप सोच लीजिए उस फार्मूला से कितना आपको गड़बड़ होने वाला, सब तो ऐसा ही बन जाएगा, सिंपल सिंपल फार्मूला है। तो देखिए अब हम पूछते हैं, ये है ठीक है, इस लेंस में मैं ऑब्जेक्ट इधर रख दे रहा हूं, है ना, और इसको कहते हैं पी साइड, इसको कहते हैं क्यू साइड, हम नेमिंग कर दिए उधर पी साइड और इधर क्यू साइड, ऑब्जेक्ट उधर रख दिए हैं। चलिए अंश, क्या नाम लिखे, अंश ए एन यू एस एच ए, क्या लिखे हैं आप लोग नाम, अनुषा। चलिए माइक ऑन कीजिए जी, आपका माइक ही नहीं ऑन होगा, आपका गड़बड़ है लगता है नेटवर्क। चलिए गौरव, गौरव जल्दी से माइक ओपन कीजिए अपना, आप बताइए इसमें आर वन किसको मानेंगे, आर टू किसको मानेंगे, पी साइड की क्यू, मतलब आर पी एक लिख रहे हैं, पी साइड है आर एक क्यू साइड है, तो आर क्यू और आर पी में से किसको आर वन मानेंगे, किसको आर टू मानेंगे, बोलिए जल्दी से। आर पी, आर पी इधर, आर पी को क्या आर वन की आर टू, आर टू सर, अब आर क्यू को, आर क्यू को आर वन, आप सोए हुए थे, नहीं सर नहीं सोए हुए थे तो उल्टा पुल्टा कैसे बोलते हैं, हमने कहा जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट मीडियम, जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो पहला सरफेस, अभी बोल रहे थे जिधर ऑब्जेक्ट है उधर से चलिए तो पहला सरफेस बोल दिया, ये वाला आरपी सर, आरपी जो होगा वो आर वन होगा, वेरी गुड, और ये आर टू होगा, तो आप ही बताइए इसका साइन कन्वेंशन किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ सब नेगेटिव होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये बताना है कि आर वन पॉजिटिव लिखे कि नेगेटिव लिखे, हमको समझाना नहीं है, सीधा आंसर बोलना है, आर वन निगेटिव लिखे आर टू, आर टू, आर टू पॉजिटिव। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए, अब और कुछ लोगों से पूछना है, है ना। खुशी कुमारी, yes. चलिए आप बताइए कि आर वन को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये बताइए आप, तो निगेटिव, आर वन को पॉजिटिव कि निगेटिव, सर निगेटिव। चलिए नीतीश कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, माइक ऑन करके बोलते हैं। चलिए इधर देखिए, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर पहला सरफेस,
यानी ऑब्जेक्ट से चलते जाइए, जिस सरफेस से टकराइए उसको फर्स्ट सरफेस लिखिएगा, याद कर लीजिए, और उसके उल्टा वाला सेकंड सरफेस होगा। इस बात को याद कीजिए एकदम 100%, या जिधर से लाइट आ रहा हो उधर से टकराने के बाद पहला सरफेस होता है। और देखिए पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड नहीं है, इस साइड है, अब की बार आर वन इधर है अब की बार, और इसका कर्वेचर इधर है, जिधर कर्वेचर उधर सेंटर और उधर रेडियस। आप बताइए इसको क्या लीजिएगा, माइनस लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसको क्या लीजिएगा, प्लस लीजिएगा क्योंकि उल्टा है, ये माइनस ये प्लस होगा। चलिए अब की बार थोड़ा सा धोखा देंगे, थोड़ा सा धोखा देंगे, बात समझ लीजिएगा ध्यान से, धोखा तो मिलेगा। ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, मतलब कौन सा लेंस है जो आप लोग नाम बताएंगे, आप रुक के पूछते हैं पहले। और ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इधर, इधर है ऑब्जेक्ट, इधर है पी सरफेस, इधर है क्यू सरफेस, दोनों टेढ़ा है, देखिए ये वाला भी टेढ़ा है और ये वाला भी टेढ़ा है, दोनों टेढ़ा है, दोनों कर्व सरफेस है पी और क्यू, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए किनसे पूछा जाए, है ना, चलिए प्रणव, बहुत देर से आप छुपे हुए हैं, चलिए बोलिए जल्दी से। कन्वेक्स कॉनकेव, चलिए ठीक है, आप ये बताइए आरपी को पहला सरफेस माने कि दूसरा सरफेस माने, ये बताइए, और आर क्यू को क्या माने, फर्स्ट सरफेस आरपी, फर्स्ट सरफेस क्या होगा आरपी होगा, यानी इसको आर वन माने आपके अनुसार, और ये इसको आर टू माने, ये बात समझ में आ गया। तो आप जरा साइन कन्वेंशन बताइए, किसको प्लस ले किसको माइनस ले, आर वन को प्लस ले कि माइनस ले, और आर टू को नेगेटिव। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए और ध्यान से सुनते रहिएगा आंसर। चलिए सत्यम माही, नहीं बताएंगे आप, सॉरी सर आरपी नेगेटिव होगा और आरपी पॉजिटिव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, सत्यम माही नहीं बताएंगे। चलिए निन्नी, सॉरी मिन्नी, बोलिए जल्दी से, किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, सर आरक्यू नेगेटिव होगा और आरपी पॉजिटिव होगा। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब, नेहा कुमारी आप बताइए, सर आरपी भी नेगेटिव होगा और आरक्यू भी नेगेटिव होगा, वेरी गुड, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट साइड हैं, वेरी गुड, सही है एकदम। देखिए ध्यान से समझिएगा ये वाला बात, समझिए इधर से देखिए, ये है आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन इधर होगा, ये है सेकंड सरफेस, ये है सेकंड सरफेस, इसका भी रेडियस कर्वेचर इधर होगा, यानी दोनों निगेटिव होगा, बात समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ना कि साइन कन्वेंशन समझ गए तो सब कुछ समझ गए, फार्मूला में कोई दम नहीं तो तीसरा क्लास के बच्चा को दो डंडा मारेंगे फट से याद करके सुना देगा, ये फार्मूला को याद करने में कोई टेंशन थोड़ी है, म्यूजी बाई म्यू एम माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बोले ना जिसको दूध डंडा लगे वो याद कर लेगा, लेकिन ये समझने में टेंशन है। इसको समझ लीजिएगा ना कि कौन प्लस कौन माइनस, कौन पहला कौन दूसरा, तब तो मजा आ जाएगा लाइफ में एकदम। सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, मतलब फट फट दो से एक मिनट से डेढ़ मिनट के अंदर में आप क्वेश्चन निकाल देंगे, चाहे पीएमटी का हो चाहे जो एग्जाम का हो, है ना। और साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आया ना तो ये को उल्टा पुल्टा लीजिए, तो जानते हैं चार ऑप्शन, होशियार ना है आपसे कम होशियार थोड़ी होता है लोग, और एगो में एगो पॉजिटिव लेगा एगो नेगेटिव लेगा, दोनों में पॉजिटिव ले लेगा, है ना, और एगो में उल्टा पॉजिटिव नहीं लेगा, चारों ऑप्शन निकालेगा, आप जिधर से भटके उधर से गए, आप एक जगह साइन कन्वेंशन में भटक गए तो जो आंसर आएगा आपको सोल्यूशन करने के बाद वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ रहेगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। आप तो सोचेंगे कि हम सही बना काए हैं एकदम अच्छे से, चार नंबर मिलना चाहिए, पता चला कि पांच नंबर गायब हो गया है। तो हमारे हिसाब से लगता है आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या करना है, और ये सब जो बोल रहे हैं वो तो वीडियो में रहेगा ही, है ना, उसको दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, जय बात देखना होगा, है ना। तो इसको मिटाते हैं अब, है ना, और फिर से पूछते हैं बहुत लोगों से, और भी एक आध बार पूछेंगे अभी तुरंत अभी, और तब क्वेश्चन के, अभी भागिएगा नहीं, एक मीटिंग और पढ़ाएंगे अभी, आज छोड़ेंगे नहीं, आज क्वेश्चन भी पहले बिना नहीं छोड़ेंगे, समझ लीजिए।
खाली आप लोग अपने मन से पेमेंट जमा कर दिए सब लोग, कीमत कही सर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तब फ्री पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथ। देखिए अब की बार जो है ना वो गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ऐसे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यहां रखें, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ये सरफेस P है, ये सरफेस Q है, ठीक है, RP है और RQ है ना। चलिए कौन बताएंगे, मुस्कान बहुत देर से आप लगता नहीं बोले हैं, किसको पहला किसको दूसरा? यस सर। बोलिए किसको पहला किसको दूसरा? सर RQ को पहला और RP को दूसरा। चलिए अपना माइक ऑफ ऑफ कीजिए, अब ध्यान से सुनते रहिएगा। शालिनी। नो सर हम देंगे। यस सर। आप नहीं, शालिनी बोलेंगे सिर्फ। यस सर। बोलिए कौन पहला कौन दूसरा? आरपी पहला और आरक्यू दूसरा। चलिए आप अपना माइक ऑफ किया, ध्यान सुन देगा। सत्यम माही दरोक, सॉरी शिवम दरोक, इन्होंने कहा कि आर वन ये होगा आर टू ये होगा, तो शिवम आप बताइएगा साइन कन्वेंशन किसको प्लस ले किसको माइनस ले। आरक्यू तरफ बारे को नेगेटिवली, मतलब हमको ये बताइए आर वन आर टू में से कौन किसके सामने प्लस डालें किसके सामने माइनस डालें, ये बोलना है हमको डायरेक्ट आंसर। बस दोनों नेगेटिव लग रहा है। आप झापा दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव है दोनों। आपका घर अब मेरे घर में जानते हैं वॉकिंग डिस्टेंस कितना, एक मिनट का है। पॉजिटिव है सर दोनों सर। सो रहे थे क्या? देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव होगा। यस सर सो रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए इधर देखिए। देखिए यहां पर देख लिए ध्यान से अच्छी तरह से, ऑब्जेक्ट इधर है तो जिधर से चलेंगे पहला मीडियम ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखिए पहला का भी कर्वेचर उधर है इधर, और दूसरा का भी कर्वेचर इधर है इधर, तो दोनों प्लस हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के तरफ निगेटिव उल्टा में पॉजिटिव, यानी कि साइन कन्वेंशन आपको अब लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन तो चलेगा ही, बिना क्वेश्चन का काम कैसे बनेगा आप लोग खुद बताइए। असाइनमेंट का क्वेश्चन बताएं पहले कि ऐसा ही बताएं? ऐसा ही बताते हैं, ऐसा ही बताते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिएगा तब ना जल्दी जल्दी होगा। लिखेंगे ध्यान से, कैलकुलेट कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कन्वेक्स लेंस, कैलकुलेट फोकल लेंथ, कैलकुलेट फोकल, फिर आपको गम नहीं होना चाहिए, बस समझ लीजिए ध्यान से। देखिए मैं बताता हूं ध्यान से, कहां टेक्निकल फॉल्ट है उसको समझे। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कन्वेक्स, इसका मतलब क्या होता है? इक्यू कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? मतलब लेंस कन्वेक्स होना चाहिए, लेकिन इक्यू कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? इक्यू कन्वेक्स का मतलब होता है आर वन बराबर आर टू, बस इतना ही समझ लीजिए। इक्यू कन्वेक्स का मतलब यही होगा, इक्यू कनकेव का मतलब भी यही होगा, इक्यू कन्वेक्स रहे या इक्यू कनकेव रहे दोनों का मतलब यही होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बोलते हैं एक बार, इक्यू कन्वेक्स रहेगा। हम भी बनाकर भेजे हैं, एक बार देख लीजिए। अब बाद में
चलिए यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, ये मैग्नीट्यूड की बात मैं किया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, म्यू ग्लास दिया हुआ है आपका, म्यू ग्लास दिया हुआ है 3/2, और मीडियम के बारे में कुछ नहीं किया है, तो यानी हर हाल में आप समझ लीजिए कि हवा होगा ये। जब म्यू मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ग्लास लेंस कहाँ रखा हुआ, हवा में। अब देखिए 1/4 लेंथ म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम -1/(1/R1) -1/R2। देखिए 1/F = μ glass 1.5 म्यू मीडियम 1 - 1। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, इधर रखिए चाहे इधर रखिए, इधर रखिएगा तो पहला सरफेस इधर चला जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सरफेस इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, वो निगेटिव हो जाएगा, यानी 1/10 प्लस में और -1/10। देख लीजिए R2 निगेटिव है, नहीं साइन कन्वेंशन कीजिएगा तो ये यहाँ जीरो हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। आप साइन कन्वेंशन नहीं करके बनाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 1/F = आ गया, इसको जब घटा रहे होंगे तो 0.5 आया होगा इंटू 1/10 प्लस में है यानी 2/10 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, तो आ गया 1/10 यानी फोकल लेंथ जो है प्लस में आया है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए ये कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए प्रूफ हो गया, यानी सोचिए कि ये फॉर्मूला कितना तगड़ा है कि आपको प्रूफ कर दिया है कि आखिर क्या है। जो बात समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ में आया बोलिए जल्दी से सर, हम आपके साथ। हाँ बोलिए। इसमें ऑब्जेक्ट का तो नहीं दिखाया हुआ, तो इसमें साइन तो आप जहाँ रखना है रख के बना लीजिए, कोई कष्ट नहीं। हम तो बोले हैं जिधर मन करके रखिएगा, आंसर सेम ही आएगा, बस इतना ही याद रखिए। हम लोग अपने मन से रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ बोलिए। म्यू एम का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ये तो हम नहीं बोले, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मीडियम कहाँ होगा, हवा होगा, ये आइडियल कंडीशन है। अगर मीडियम दे देगा पानी तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को बदलते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसको पहले आप देख लिए कैसे बना, जो कोई कष्ट नहीं है, तो इसको आप मिटा देते हैं हम यहां से। जब तक किसी क्वेश्चन को 3-4 बार नहीं बनाइएगा, 5 बार नहीं बनाइएगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन इतने था ना, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ पीक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना और म्यू ग्लास इतना। अब इसी क्वेश्चन में जोड़ देते हैं, इफ प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी कि मीडियम में रख दिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3, यानी पानी में रख दिए इस ग्लास लेंस को, तब बताना इसी क्वेश्चन को फिर से बनाना है। यानी यही क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं कि एक लाइन जोड़ दिए, प्लेस इन अ मीडियम ऑफ RI 4/3, मतलब ऐसा मीडियम में रख दिए जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है यानी पानी में रख दिए हैं, तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या होगा। जो जल्दी इस क्वेश्चन बनाइए, देखिए एक का आंसर भी आ गया है 40, आप लोगों को कितना आता है पता नहीं, फास्ट में एकदम सोल्यूशन कीजिए। देखिए जो पढ़ेगा वही जीतेगा, बस इतने ही याद रखिए, नहीं तो फिर कष्ट ही कष्ट है, और हमारा पैसा जो लेके भागी ना कि सोच रहे हैं ना, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, समझ लीजिए। बहुत लोग तो मेरा फोन में ना रिसीव करते हैं, हम फोन करते हैं तो। आपका 30 आ गया आंसर, हमको चेक करना, ऐसे आंसर भेजते हैं तो हम नहीं चेक कर पाते हैं, हमको थोड़ा सा ना आंसर अच्छा से भेजिए। 40 तो आ रहा है आंसर लगता है, खुशी आपका फिर आंसर गलत है, कहाँ आप गलती कर दे रहे हैं। फास्ट में एकदम बनाइए, एकदम जितना फास्ट हो सके, नो टेंशन।
चलिए मुस्कान का सबसे पहले आ गया, बिल्कुल सही है आपका भी। चलिए तनुज का भी आ गया है, एकदम सही आया है आपका भी। आंसर तो पहले अनाउंस कर दिया, 40 आ गया है। चलिए अब मैं बताता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, अब हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, कोई पूछ रहे थे सर कि हर बार मीडियम वही लेंगे, चल मीडियम बदल दिया ना, देख लीजिए ये ग्लास लेंस जो है ना अब की बार पानी में रख दिए हैं। ये म्यू ग्लास आपको दिया हुआ है कितना, 1.5। आपकी चारों तरफ पानी में डुबा दिए इस लेंस को, किसमें डुबा दिए हैं, पानी ही पानी है, हवा नहीं है, वाटर है। क्या है, वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आगे बात समझ में, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसके पहले हम ऑब्जेक्ट इधर माने थे, कोई लोग हमसे प्रश्न किए सर उधर ऑब्जेक्ट रखें, हम तो कहें कि जिधर आपको रखना रखे ना इधर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यदि ऑब्जेक्ट हुआ तो ये पहला सरफेस ये होगा इसका, तो पहला सरफेस आपकी बार इधर आ जाएगा जो R1 पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा सरफेस का कर्वेचर है जो इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, वो R2 नेगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई टेंशन नहीं है हमको। अब फार्मूला तो हम एक ही को जानते हैं ना, 1/focal length इक्वल टू म्यू ग्लास बटा म्यू मीडियम माइनस 1/R1 और माइनस 1/R2। जरा गौर कीजिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम, तो म्यू ग्लास क्या है, 3/2 है। इसमें तो आपको म्यू ग्लास के लिए सब साइन कन्वेंशन करना ही नहीं है, इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, साइन कन्वेंशन करना नहीं, 3/2 है। और यहाँ पर ग्लास का कितना है भाई, सॉरी मीडियम का, तो 4/3 है, तब 4 नीचे होगा 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 ऐसे, अब 1/R1, तो R1 अब की बार पॉजिटिव है 10 में, और R2 क्या है, निगेटिव है 10 में। देख लीजिए ध्यान से, 1/F इक्वल टू कितना होगा, 9/8 माइनस 1 और गुने 2/10, 1 1 2 हो जाएगा जुड़ेगा तो ऊपर। अब देखिए 1/F इक्वल टू हो गया, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 1/8 इंटू 2/10 आपको 1/40 आ रहा है काट छाट करके, इसलिए फोकल लेंथ आ गया प्लस 40 सेंटीमीटर। और पावर अगर निकालिएगा तो पावर पहला केस, हम इधर देखिए हिंट में एक चीज लिख रहे हैं, पहला केस इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे घेर के लिख रहे हैं, उसमें फोकल लेंथ आया था आपका कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। तो पहले पावर था, पहला बार में 1/10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 1/10 को मीटर में बदलिएगा तो ऐसे, यानी प्लस के डायोप्टर था। और P2 जो हो गया 1/40 आ गया, 40 और 100 ऊपर होगा तो यानी कि प्लस 2.5 डायोप्टर है। आप लोग कुछ समझे, कोई समझे तो हमको भी समझाइए, अगर किन्हीं को कुछ बात समझ में आ गया हो इस फिगर उगर को देख करके तो हमको भी समझाइए कुछ। हम दो क्वेश्चन बनाए हैं, एक मीडियम में रख के एक मीडियम में नहीं रख के, और देखिए यहाँ कितना बड़ा घपला हो गया है, मतलब बहुत बड़ा धोखा हो गया है, समझ लीजिए बात को आप लोग। पावर को समझ में आया क्या? हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं सर? पावर निकाले हैं ना उसका? हाँ पावर निकाले हैं, पहला केस में पावर आया था 10 डायोप्टर और दूसरा केस में आया 2.5 डायोप्टर। क्या प्रॉब्लम हुआ है ये बताइए आप लोग। अब तो हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए अब मेरी बात को, चश्मा जो जो लगलाते हैं, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। पावर डिक्रीज कर गया, पावर डिक्रीज कर गया, तो चश्मा तो आप लगाते नहीं है, जो चश्मा लगाते हैं उनसे पूछिएगा, है ना, चश्मा जिनके आंख पर चढ़ गया हो और थोड़ा ज्यादा पावर वाला, उनसे जरा बात कीजिएगा। देखिए अगर वो चल रहे हैं, ठीक है, चश्मा लगा के आगे जा रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं, या फोर व्हीलर चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं, कहिए क्यों, आएगा क्या पानी ऊपर से, चश्मा पर पड़ जाएगा, तो चश्मा चला गया पानी के अंदर, उसको पहन लिए, यानी कि उस चश्मे लेंस के चारों तरफ वाटर आ गया, लेयर में हवा छोड़ के वाटर आ गया, हवा था पहले लेंस के चारों तरफ, वो अब पानी का एक लेयर आ गया, तो चश्मा वो थोड़ी बात समझेगा, पावर जो हो गया 10 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर, अब उनका चश्मा का पावर घट गया, अब उनको रास्ता आगे साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो जिसको चश्मा चढ़ जाता है ना उसको बड़ा टेंशन होता है,
है ना, एक बार पानी में डाल दीजिए उसके चश्मा को, आप फिर लगा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ ना पता चलेगा। क्यों? सोचिए कितना तेजी से पावर चेंज कर दिया, केवल मीडियम चेंज किया तो। और आज के बाद आप यही, आज के पहले आप यही जानते थे कि चश्मा का पावर फिक्स होता है, टेंथ क्लास में ही पढ़े थे, लेंस का पावर फिक्स है। लेंस का पावर फिक्स नहीं है, वो मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। वो फिक्स जो आप पढ़ रहे थे ना, हर बार आपका चश्मा या लेंस जो था हवा में था, इसीलिए आपका फिक्स पढ़ रहे थे। अब पानी में चला गया तो देखिए आपका सामने सामने आया, पावर बदल गया। और ये डेली लाइफ का चीज है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी लोग चश्मा लगाते हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों? क्यों? उनको बहुत बार ऐसा धोखा हो चुका होगा कि चश्मा से पढ़ रहे होंगे, धूल उल पड़ गया होगा, आप पानी उस पर डाल दिए, चश्मा पर एक लेयर पानी डाल दीजिए और तब पहन लीजिए, देखिए आपको कुछ ना दिखाई देगा। क्यों? पावर ही चेंज कर गया। आपका आंख का पावर प्लस टू था, तब माइनस टू वाला चश्मा लगाया गया होगा, अब पावर बदल गया, आपको कुछ ना दिखाई देगा। तो जिनके आंख का डब्बा गायब हो जाए उनको लाइफ में बहुत कष्ट है ना। कैसे? कि सबसे पहले तो पानी उनी, अगर बारिश आ गया तो आप बाइक से जा रहे हैं ना, तो सीधा सीधा अपना बाइक को खड़ा कर दिए रास्ते में कहीं, और वहीं पर खड़े रहे जब तक बारिश न छूटे, क्योंकि एक बूंद भी पानी आ गया चश्मा पर तो आगे आपको दिखाई नहीं देगा, तो किसको धक्का मारिए उसको बाद की बात है, पहले अपने पलट जाइएगा, ठीक है। हाँ, जिनका थोड़ा बहुत पावर बदला होगा ना उनको उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जिसके आंख का पावर ज्यादा गायब होगा, इसलिए आंख को बचाइए, नहीं तो आगे लाइफ में बहुत कष्ट हो सकता है। यही रहस्य छुपा हुआ है, याद कीजिए, मीडियम बदलने से पावर ऑफ लेंस बदल जाएगा, मीडियम बदलने से पावर ऑफ लेंस बदल जाएगा। ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा रहस्यमय चीज है, जिसको जान लीजिए, और नहीं तो बाद में धोखा होगा। आप ही सोचिए, हम लोग सिंपल आंख से अभी देख रहे हैं तो कितना क्लियर है, और वही आंख पर पानी ले लीजिए थोड़ा आंख खोल करके, उसके बाद देखिए तो नहीं दिखेगा ज्यादा। क्यों? हमारे आंख में भी लेंस लगा हुआ है, जो नेचुरल लेंस है उसको क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, वहां भी लेंस है। लेकिन हम लोग का आंख में जैसे पानी पड़ा था, एक बार पलक झपा के ऊपर करते हैं तब पानी का लेयर हट जाता है, क्योंकि हम लोग का ऑटोमेटिक सिस्टम जो भी बना हुआ है, जो भी आप कहिए, नेचर के द्वारा दिया गया है जो, है ना। तो इस बात को सबसे पहले याद रखिएगा कि मीडियम बदलने से पावर बढ़ सकता है और घट सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरा बात, तब तो अगले क्लास में हम बताएंगे, जिसको आप कह रहे हैं ये कौन सा लेंस था, आप लोग बोलिए ये कौन सा लेंस था, आप लोग बोलिए। तो अगले क्लास में आपसे कहला देंगे कि कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव है। तब मीडियम डालेंगे तब ना। हाँ, तो इसको कन्वेक्स बोलने के पहले आपको बोलना पड़ेगा कि ये कन्वेक्स लेंस तभी होगा जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखे हैं उससे ज्यादा होगा। अगर दोनों का मीडियम रख दिए और रिफ्रैक्टिव दोनों का सेम हो जाएगा तो ये लेंस खत्म, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव ज्यादा हो गया तो लेंस बदल जाएगा, ये कन्वेक्स जो है कनकेव का बिहेवियर शो करने लगेगा। बड़ा अजीब चीज पढ़ाएंगे एक दो क्लास, क्लास छूटना नहीं चाहिए, और छूट जाए तो वीडियो दो चार पांच बार देख लीजिएगा, है ना। आप लोग को लो तो बहुत फायदा हो गया ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हमको फायदा होता था। जहां कोई कुछ बच्चा क्लास छोड़ा तब तो 500 रुपया एक घंटा का दीजिए, तब फिर अलग होगा, इसमें तो हम लोग को घाटा हो रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, अब मीटिंग को एंड करते हैं, है ना, और कल फिर मिलते हैं। आज आपका इसका क्वेश्चन भी भेज देते हैं, ठीक है। देखिए, जिन लोगों का कभी माइक काम नहीं करता है या फिर पिक्चर काम नहीं करता है, तो याद रखिए कि आप लोग क्या कीजिए, पहले अपना मीटिंग एंड कर लीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, तब सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो रहता है ना, तो सामने दिख रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो अपना माइक का माइक्रोफोन आप ही चेक कर लीजिएगा सर।